As you can see, conflict is a dilemma between outcomes. Dilemma means confusion, a very strong confusion. जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस, इट इज़ नोन एज डिलेमा. तो आप कह सकते हैं कि डिलेमा इज़ अ वेरी हार्ड चॉइस. सो हाउ कैन वी डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट? सो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिफाइंड एज वेन यू हैव टू आउटकम्स दैट कैन बी पॉजिटिव और विच कैन बी नेगेटिव एंड यू हैव डिफ़िकल्टी इन चूजिंग वन ऑफ दैम, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी स्टेट होती है इंडिविजुअल की जिसमें कि ही हैज़ डिफ़िकल्टी इन चूजिंग वन आउटकम वैन शी इज़ और ही इज़ गिवन मोर देन वन ऑप्शन टू चूज. ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग दैट इज़ नॉर्मल इन ह्यूमन बींग्स. ओके, वी हैव एवरी डे कॉन्फ्लिक्ट, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास दो आउटकम है, दो से ज़्यादा आउटकम भी हो सकते हैं, एंड वैन यू आर अनेबल टू चूज बिटवीन दोज आउटकम्स एंड इसके कारण यू फील स्ट्रेस और यू फील फ्रस्ट्रेटेड, देन इट इज़ नोन एज कॉन्फ्लिक्ट. अब हम डेफिनेशन क्लियरली देख सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट कैन अकर बिटवीन अ पर्सन, यानी कि दो पर्सन के बीच में, या फिर कॉन्फ्लिक्ट कैन अकर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल. सो वैन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन टू पर्सन और अ ग्रुप, इट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. और जब कॉन्फ्लिक्ट किसी पर्सन के अंदर होती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, जब अ पर्सन फेसेस कॉन्फ्लिक्ट विद इन हिज ओन माइंड, तब उस कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट कॉजेस फ्रस्ट्रेशन एंड स्टेट ऑफ नेगेटिव इमोशन विद इन एन इंडिविजुअल विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो डेफिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी स्टेट होती है फ्रस्ट्रेशन की जो तब अराइज होता है जब किसी पर्सन के दो ओपोजिंग डिज़ायर्स हो. वैन अ पर्सन वॉन्ट्स टू डिफरेंट थिंग्स बट ही कैन चूज ओनली वन, देन इट इज़ नोन एज ओपोजिंग डिज़ायर्स बिकॉज ही हैज़ टू विशेज. तो वैन अ पर्सन हैज़ टू चूज बिटवीन टू पॉजिटिव आउटकम्स और टू ओपोजिंग डिज़ायर्स, देन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ऑटोमेटिकली. सेकेंड डेफिनेशन इज, जब पर्सन दो गोल्स या फिर किसी दो आउटकम के बीच में चूज नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन. Person has two good qualities in him. He is a good medical student also, but he also wants to become a musician. So he has two positive goals and he is unable to choose between one of them. Third definition is, conflict is caused by two or more desires and goals and only one of them can be satisfied at a time. So isko aap clearly aap samajh sakte hain ki when an individual has more than two goals, outcomes and opposing desires, but he can choose only one of them, and ek cheez important hai, he has to नेग्लेक्ट अदर्स, राइट? तो आप किसी एक चीज़ को ही चूज़ कर सकते हो. ओके, एंड ये जो आप एक चीज़ चूज़ कर रहे हो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दैट वी विल स्टडी इन अ नेक्स्ट स्लाइड. बट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन पर्सन हैज़ टू चूज बिटवीन टू आउटकम्स. नाउ दैट आउटकम कैन बी पॉजिटिव या फिर वो आउटकम नेगेटिव भी हो सकता है. नाउ वी विल सी द टाइप्स. सो जब कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज विद इन अ पर्सन, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट किसी पर्सन के माइंड के अंदर हो रहा है एंड इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द पर्सन, देन ये कॉन्फ्लिक्ट को हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. और जब कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन, इट इज़ नोन एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. सो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है अप्रोच, इसमें दो पॉजिटिव आउटकम रहते हैं, दो पॉजिटिव ऑप्शंस रहते हैं, दो रिवॉर्ड इंड्यूसिंग आउटकम्स रहते हैं, एंड द पर्सन हैज़ टू चूज वन ऑफ देम. इन अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट देर आर टू नेगेटिव आउटकम्स, द पर्सन वॉन्ट्स टू अवॉइड बोथ ऑफ देम बट ही कैन नॉट. सो ही हैज़ टू फेस कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन आउटकम, एटलीस्ट वन आउटकम, यानी कि दो नेगेटिव आउटकम है, उसको कोई सा एक नेगेटिव आउटकम तो फेस करना है. और वो पर्सन जब डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको कौन सा आउटकम फेस करना है, तो अवॉयडेंस अवॉयडेंस कॉन्फ्लिक्ट आती है. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में पॉजिटिव आउटकम था और अवॉयडेंस अवॉयडेंस कॉन्फ्लिक्ट में नेगेटिव आउटकम था. देन देर इज अप्रोच अवॉयडेंस कॉन्फ्लिक्ट. इन अप्रोच अवॉयडेंस कॉन्फ्लिक्ट द पर्सन वॉन्ट्स टू फॉलो अ गोल और पर्सन वॉन्ट्स टू अचीव अ गोल, बट इन achieving that goal, he also have to face the consequence which comes with the goal. For example, a person wants to be popular in high school, koi chahta hai famous hona, but we all know when someone becomes famous hone ke sath aapko fame bhi milti, which is negative. Not everyone likes fame. Another example, for example, someone wants to buy a bike, and agar aapko koi si gaadi khareedni hai, then it will cost a lot of money, right? So this is an example of approach avoidance. And in human life, आप daily multiple approach avoidance conflict face करते हो. So there are many approach that you want in your life.
and you also have many consequences that you want to avoid. Now coming to external conflict, the first is interpersonal conflict, which occurs between two person. Then you have intergroup. Intergroup conflict mein ek group ke beech mein conflict ho jati, which means there are many people, more than two people. Then there is inter-organizational conflict. Iska matlab hai ki there are many people that belongs to different organization that believe in collective goal. Aur jab ye do group ke beech mein, right? ये दोनों ग्रुप अलग आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, अलग रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, दे कुड हैव डिफरेंट ओपिनियंस. तो जब ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है, ये उनका ओपिनियन लेवल पे भी हो सकता है, ये उनका किसी डिसीजन लेवल पे भी हो सकता है. तो एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स बिटवीन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का जो कि है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रू डायग्राम देयर आर टू पॉजिटिव आउटकम एंड द पर्सन वॉन्ट्स both the outcome but can only choose one. So this is approach conflict. Approach isliye bola kyunki direction ab dekhiye, the person wants to approach both the positive outcome, aur ye dono outcome kya honge, rewarding honge ya fir pleasurable honge, right? So for example, a person has money to buy a smartphone and a bike, but he only has 70,000 rupees. So inside 70,000 rupees he can either buy iPhone 13 or he can buy a bike. So this is a example of positive conflict because he can choose only one of the option. There are other examples also, aap dekh sakte hain isko. These examples are self-explanatory. Then second is avoidance conflict. Avoidance conflict mein hota ye hai ki a person has to face two bad outcomes, two negative outcomes hai jo wo avoid karna chahta hai. Theek hai, but he has to face one of them. That is also conflict. For example, tomorrow is exam. That is fear inducing. But if you don't give exam because of fear, then you will get failed. So dono taraf negative outcome hai. Ek taraf aapko exam se dar bhi lag raha hai kyunki aapne preparation nahi kari, aur agar aap exam dene nahi jayenge to aap fail ho jaoge. So it is an example of avoidance conflict. Aap chahte hain ki aapko dar bhi na lage aur aap chahte ho ki aap fail bhi na ho, lekin ye possible nahi hai. So you have to face one of the option and you have to avoid one of the option. तो आप इसी एक ऑप्शन को फेस करते हो और किसी और को अवॉइड करते हो. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. आप दोनों ऑप्शन को अवॉइड करना चाहते हो, बट वी ऑल नो वी हैव टू फेस वन ऑफ द ऑप्शन. देन यू हैव अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसमें कोई सा पर्सन है, वो कोई सा गोल अचीव करना चाहता है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के साथ उस गोल के साथ कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी जुड़ा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू बाय ज्वेलरी और इफ यू वॉन्ट टू बाय अ कार, बट बाई बाइंग अ कार यू विल ऑल्सो रिस्क लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, और समटाइम्स पीपल ऑल्सो टेक लोन फॉर दैट मैटर. सो बोथ द केसेज यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड बट यू आर ऑल्सो गेटिंग लोन. सो लोन इज अ बैड थिंग, इट इज अ नेगेटिव थिंग. सो इट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो, लेकिन गोल अचीव करने के साथ आपको उसके साथ एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है, एक नेगेटिव आउटकम मिल रहा है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं. तो अप्रोच आप करते हो पॉजिटिव गोल को और अवॉइड आप करना चाहते हो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है. For example, marriage. A person wants to get married because he is getting old, so he wants to get married. But he also know if he will get married, usko responsibility aa jayegi child ki, uski wife ki, right? Society ki responsibility aa jayegi, usko earn karna padega, savings karni padegi. So that is also example of approach avoidance conflict. A person wants to get married but he is afraid of responsibilities. Ab hum dekhenge external conflict. External conflict ke andar bahut easy hai samajhna. When conflict occurs between two person, that was it is known as interpersonal. Interpersonal means between two person. So when conflict occurs between two person, it is known as interpersonal conflict. For example, husband or wife में झगड़ा हो गया, भाई बहन में झगड़ा हो जाना, है ना, दादा दादी में झगड़ा हो जाना, दो दोस्तों में झगड़ा हो जाना, इसको हम बोलते हैं interpersonal conflict. Then there is intergroup conflict. ठीक है, इसमें intergroup conflict का मतलब होता है कि एक large group है, group means more than two people, और ये दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी भी कारण से. और कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बेसिस पे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आपके ओपिनियन के बेसिस पे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आपके एक गोल के बेसिस पे हो सकता है ना, दोनों का कॉमन गोल भी हो सकता है लेकिन दोनों का तरीका अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप ऑफ नर्सेस एंड ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, राइट? देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पुलिस एंड क्राउड. ठीक है, तो वैन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन ग्रुप्स, इट इज नोन एज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. देन यू हैव इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट. इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जब आपका कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो और उसका किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल.
दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सैमसंग एंड एप्पल आर द बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज, दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एप्पल जो है उसने क्या करा था, अभी बिना चार्जर का स्मार्टफोन देने लग गए थे, तो सैमसंग ने बोला कि ये गलत है। एप्पल का कहना ये है कि हम चार्जर देते हैं तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, लोग चार्जर इकट्ठा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का टाइप है। तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था। एक और टाइप का कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, राइट। बीजेपी कहती है कि द कंट्री शुड बी नेशनलिस्टिक, एंड कांग्रेस कहती है कि कंट्री शुड नॉट बी दैट मच नेशनलिस्टिक, कि हमारे कंट्री के जो कॉमन पीपल है उनको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े, गवर्नमेंट को बताना पड़े कि हम कितना नेशनलिज्म हमें, हम कितना नेशनलिस्टिक हैं। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट ही कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दो लोग लड़ रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। और जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट इज़ नोन एज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट किस किस जगह पे हो सकता है, सोर्सेस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। तो होम सबसे फर्स्ट। अब होम के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाइल्ड पेरेंट्स, बिटवीन चाइल्ड, बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दूसरा सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट का स्कूल, यहाँ पे बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तीसरा सोर्स है आपका जॉब वर्क प्लेस, यहाँ पे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट, आपके कलीग्स से कॉन्फ्लिक्ट, आपका जो स्टाफ है उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हॉस्पिटल के अंदर नर्सेस नर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देन फोर्थ सोर्स इज सोसाइटी, है ना, जो आपके सोसाइटी के लोग हैं उससे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जो आपके सोसाइटी में नेबर है, आपके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, आपके सोसाइटी में आपका जो लोग है, कल्चर है आपका, उसके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ढेर सारे कल्चर्स रहते हैं, ढेर सारे कस्टम्स रहते हैं। तो उस कस्टम्स, उस कल्चर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर भी आपका सोसाइटी से क्या हो सकता है, रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट, को कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजोल्यूशन कैसे करेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेक, दिस इज इन रिटन इन वेरी यू नो बेसिक लैंग्वेज, इसमें कुछ भी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है। सो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्ट ईच डिज़ायर विदाउट एनी जजमेंट, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, जिसको लेकर के आपको लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप पहले एक्सेप्ट कर लीजिए विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी यू नो मॉरलिटी और एथिकल कंसर्न। जो अभी आपके डिज़ायर है उसको आप पहले एक्सेप्ट करिए, ठीक है आपको डिज़ायर आ रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। देन लॉजिकल एंड कूल माइंड से थिंक करिए कि क्या जो मेरे डिज़ायर्स है, या फिर क्या जो मेरे गोल्स एंड आउटकम्स है वो रैशनल है, या फिर वो अचीवेबल है, या मैं उसको सही में अचीव कर सकता हूँ, या उसको अचीव करने के लिए मैंने क्या किया है। देन रिमूव इमोशंस एंड फीलिंग्स एसोसिएटेड विद बैरियर्स एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको किसी गोल को अचीव करने के लिए आपके बीच में बैरियर्स आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप उस बैरियर्स एंड रेजिस्टेंस को रिमूव करने की सोचिए, बजाय कि आप फ्रस्ट्रेट हो, स्ट्रेस में आए, डिप्रेशन हो आपको, फ्रस्ट्रेशन हो, है ना। देन देयर इज सीक अ कॉम्प्रोमाइज, टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन। जब आप किसी दो आउटकम के बीच में नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है, या फिर आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आप अवॉइड करना चाहते हैं दोनों प्रॉब्लम को, तो आप या तो पेरेंट्स, अपने फ्रेंड, या फिर ऑफिशियल, पुलिस, तो जिस भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। टेम्पररीली पोस्टपोन द चॉइस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर से रिलेटेड है ना, अगर आप अभी आपको रियलाइज हो जाता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि जिससे आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाए, तो कुछ समय के लिए डिसीजन मेकिंग जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट का, जो आपको आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए। सोच लो कि चलो भैया बाद में जब प्रॉब्लम आएगी तब अपन उसको फेस कर लेंगे, तब अपन निकाल लेंगे। सो दिस आर द कॉमन सेंस रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और भी रिजोल्यूशन होते हैं, बट फॉर दिस लेक्चर आई हैव ओनली डेल्ट विद 5 पॉइंट्स। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड डोंट मिस आउट एनी ऑफ माई वीडियोज़।